नमस्ते संजय सबको मेरा नमस्ते। भाव। नमस्ते संजय भाव। नमस्ते। चालू करें। हाँ संजय भाव, कल हम लोगों ने नेट कंप्लीट किया था और उसमें बहुत सारे फीचर दिखाए थे। आज हम लोग क्या बनाएंगे संजय भाई? आज बाजू का फी आ बाजू में फिश बनाएंगे। ओके, उसके लिए बेस में भी कुछ डालना होगा कि डायरेक्ट फीस वगैरह और भी जो वाटर में इंग्रेडिएंट्स आते होते हैं वो सब दिखाएंगे? इसके अंदर फिश बोट दिखाएंगे, अभी अंदर मछली पकड़ते हुए लोग दिखाएंगे। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, एज यू ऑल कैन सी दैट टिल यस्टरडे वी हैड मेड द नेट एंड फ्यू फिशेस इनसाइड द नेट। टुडे व्हाट वी विल बी मेकिंग इज आउटसाइड द नेट। We'll be making some few water animals and people catching fish nearby. This is what we're going to make today. तो वाटर में स्टार्ट किया हुआ है, ह्यूमन फिगर है जो बोट चलाते हुए दिखाया है और बोट के ऊपर फ्लैग दिखाया है संजय भाव ने। Is drawing a boat, and along with that, on the top of the boat, he's also shown a flag. The boat is being rowed by the fisherman. ये क्या बनाया संजय भाई? बोट के दोनों साइड पानी ये हो रहा है। ओ दबाव पे ये पानी है ऊपर की तरफ। As you can see, there is splash of water near the boat. तो मछली पकड़ने के लिए रिवर या पॉन्ड के किनारे में पानी के अंदर जाना पड़ता है, इसलिए समझे वो पैर का निचला हिस्सा नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों का पैर पानी के अंदर में अंदर है, इसे फुल बॉडी नहीं दिखाया है।
So you can see that Sanjay Baba was showing fisherman inside the water, and that is why he is not showing the full body, because he's shown that the legs are immersed in the water. उससे बनाया हुआ रहता है या फिर जिनके पास कुछ पैसा नहीं रहता वो ये यूज करते हैं, छोटे छोटे नेट बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छी उसकी सिचुएशन रहेगी तो मच्छरदानी, जो मच्छरदानी क्या बोलते हैं उसको, वो यूज करते हैं जी। कोई कोई ये जाला यूज करते हैं, अपने इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो व्हाट संजय भाई वाज टेलिंग अस दैट एवरी फिशरमैन डजंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू यूज दिस बिग फिश नेट, सो फ्यू ऑफ देम हु डोंट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दे यूज साड़ीज, ओल्ड साड़ीज, एंड फ्यू ऑल्सो यूज मॉस्किटो नेट एज वेल to catch fishes. So this is what he's showing here. अब थोड़ा नेट में भी थोड़ी मछली दिखाएंगे जी। जब वो मछली पकड़ने के लिए बोट का भी यूज करते हैं ना, बोट का ये भी मैं अभी जो दिखा रहा हूँ वो भी यूज करते हैं जी। जैसे ये जाला से ऐसे करते वैसे जिसके पास बोट नहीं रहती, वो जो अपना बड़ा ट्रक रहता है उसका टायर का ट्यूब का यूज इस्तेमाल करते हैं और उसमें बैठे हुए बैठ के उसको अंदर बैठे हुए मछली पकड़ते हैं, नेट डालते हाँ। See how small details is the artist covering. He's shown that few of them go in the river sitting on the big truck tire tubes. And they sit on that and then throw the net in the water to catch fishes. ये जो है छोटा जो जाला रहता है जो डालते हैं उसमें ये ज्यादा यूज करते हैं। वो स्टिक में जो लगा हुआ रहता है वो समझ रहे हो ना? नहीं नहीं स्टिक में नहीं, ये जाला ही अलग रहता है, उसे भीसा कहते हैं, भीसा।
एक लकड़ी रहती है, जी लकड़ी के अंदर वो जमा करते हुए आते हैं पानी में से। और एक सिंगल फिश पकड़ने के लिए भी ना स्टिक से हुक टाइप का रहता है संजय भाव, उससे। हाँ, वो अलग हो रहता है, उसको गल कहते हैं, गल। अच्छा अच्छा, इससे सिंगल पीस पकड़ा जाता है ना। हाँ, सिंगल पीस। हाँ और एक हाथ में बकेट दिखाया है। हाँ एक बकेट दिखाया हुआ जिसमें इस मच्छियों का खाना रहता है। So he's showing you one fisherman is there standing on the shore with single rod, and in one hand he has a bucket where there is food for the fish. So they throw the food for the fish in the water so that the fish comes nearby, and then they catch it with that single hook also. पेपर लेफ्ट ले लीजिए। So in a single painting, so many various types of ways
artist is showing to catch the fishes. This is a particular picture where so many things you get to learn at one place. या अपन थोड़ा सा उसमें पत्ता दिखा रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, वेल वगैरह पानी में आ जाता है वो दिखा रहे हैं अपन इसमें। थोड़ा सा कचरा आ गया है। So Sanjeev has shown a few leaves and stems and all also on the in the water, because they usually come inside the water from the shore. कल संजय भाव ने सारे इंग्रेडिएंट्स बताया ने बताया था, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। संजय भाव जरा ऊपर में ह्यूमन फिगर कंप्लीट कर लेंगे आज कवर, तो लास्ट में ह्यूमन फिगर वीर आप पे बता दीजिएगा। सो इन यस्टरडेज वर्कशॉप संजय भाव हैड ऑलरेडी टोल्ड डिफरेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ एम्फीबियंस। So today he is making all of them here in the water. Thank you.
Sanjibhai was making various kind of fishes, crab, and other amphibians in the water now. संजय पेपर लेफ्ट ले लीजिए जरा अभी इधर काम चल रहे तो अलग अलग साइज के फिश क्रैब्स वगैरह संजय बाबू दिखा रहे हैं
तो नीचे के पोर्शन में भी मछुआरा वगैरह दिखाएंगे क्या समझे हो? कि बॉर्ड सिर्फ ये रिवर के किनारे में ही दिखाना, म्यूट पर है शायद, आप बता रहे हैं तो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। में था लगता है। इधर एक अपन बोट बनाएंगे जो घूमने के लिए आए हैं वैसा। अच्छा स्टीमर टाइप का हाँ जी। बोट चलाते हुए मेल फीमेल पेयर में संजय बाबू ने बनाया है। He's shown a boat with male and female in between the water. ये संजय बाबू वो लोग बता दिखा रहे हैं आप जो घूमने आए हैं असली घूमने के पानी। हाँ घूमने के लिए आया। हाँ These are not fishermen, but people who are there to see, row the boat and enjoy the boat ride. जिस तरह से रिवर में सिर्फ मछलियां ही नहीं होते हैं, अलग अलग के एम्फीबियंस स्नेक वगैरह भी होता है, क्रैब्स संजय बाबू ने दिखाया ही है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं। संजय वो बर्ड बर्ड दिखा रहे हैं, हाँ ये ऊपर का है क्या? अच्छा हाँ क्योंकि ऊपर से ऊपर से जो उड़ता हुआ चिड़िया दिख,
आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी और आर्टिस्ट का व्यू दोनों देखने को मिल रहा होगा। डिफरेंट चीज संजय वो बता रहे हैं, अलग अलग व्यू से भी बना भी रहे हैं। संजय बाबू इसका पैर आपने नहीं बनाया बर्ड का, क्योंकि ये उड़ता हुआ ऊपर से दिख रहा है इसलिए क्या? हाँ, इसके लिए नहीं बनाया है। अच्छा वाह, सो यू कैन सी दिस माइन्यूट डिटेल्स व्हिच द आर्टिस्ट फॉलो एंड देयर वास्ट इमेजिनेशन। सी इज मेड टू बर्ड्स हियर। सिंस वी कैन दिस पेंटिंग, यू नो, द व्यू इज फ्रॉम द टॉप साइड, so he's not made the legs of the bird because they're flying and we are seeing it from the top. So as you can see the minute details and the imagination of the artist, the painting itself can be imagined as a real scene of the sea, and the minute details like plants, he's also made them. So in one painting you get to learn so many various things. देखो, वार्ली पेंटिंग कंप्लीट स्टोरी दिखाता है। जैसे आप इस पेंटिंग देखकर एक छोटा मोटा ब्लॉग भी लिख सकते हैं, स्टोरी भी लिख सकते हैं कि आर्टिस्ट के मन में क्या है। वो ब्रश से कंप्लीट स्टोरी बता रहा है आपको। So as Mamta ji is telling us that you know, Wali paintings are a complete story which depicts all the full scene of that particular view, and with the view and the imagination of the artist is so beautiful that even a person can write a blog onto it. And you know, about the imagination of the artist, about the painting, about the various things which are visible here. ये स्टीमर बना रहे हैं क्या संजय भाऊ? सो ही इज ड्रॉइंग अ स्टीमर नाउ। अभी जो व्यूअर्स जो पहले से हमारे गूगल क्लासरूम में पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने कंप्लीट पेंटिंग अगर अभी सीख रहे हैं, वो कंप्लीट पेंटिंग हमारे गूगल क्लासरूम में डाल सकते हैं ताकि आर्टिस्ट उनकी कला को देख सकें, उनकी आर्ट को देख सकें।
regular participants in the workshop can upload their work. If they are drawing along with the artist, then they can upload later also. They can upload their work in the Google Classroom so that the artist can see and appreciate accordingly. Paper niche ki canvas niche. म्यूट पर है संजय बाबू. संजय वो अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज. हाँ, ये अपना फिश का कंप्लीट हो गया है जी. अपर पार्ट का हम लोग कल करेंगे संजय बाबू. आज आप जरा रफ पे बता दीजिए ह्यूमन फिगर जो आज पहली बार बनाया है. ओके ठीक.
थोड़ा सा संजय भाई अपना कैमरा स्टेबल कर लीजिए, हिल रहा है बहुत। ओके तो अपन कल जो फिगर देखने वाले, जो जिसके हाथ में ये जो जाला है वो देखने वाले, वो किस तरह से रहेगा? थोड़ा बेंड में रहेगा, जेंट्स हाथ की पोजीशन ये इस तरह से रहेगी। ये जो जाला है तो एक नहीं दो जन खींचते हुए अपन दिखाएंगे, ये जाला है पूरा। ये पॉइंट है बीच का। ओके उसके बाद अपन कुछ वीडियो चला गया संजय बाबू आपका, संजय बाबू एक सेकेंड कॉल करना, सम नेटवर्क इशू विद दी आर्टिस्ट, ही बी बैक सून। Kindly bear with us. तो थोड़ा पेड़ के नीचे बैठे हुए भी अपन कुछ दिखाएंगे। संजय बाबू ये कल जो बनाए बनाइएगा वो दिखा रहे हैं क्या? वही वही दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। अच्छा आज का भी कुछ बता देते तो ठीक रहता। हाँ आज का आज, भी बता। आज ने अपन अपना बोट में अपन जो निकाला है जी, हाँ जी जी एक तो निकाला है अपन ने ये पोजीशन में जो बोट चला रहा है पैर में। हाँ जी इधर का दिखाया, ये इधर का नहीं दिखाया, और इधर बैठे हुए अपन एक लेडीज दिखाई है जी जी, इसने एक हाथ से ये पकड़ा हुआ है और एक हाथ ऊपर दिखा रही है, बैठे हुए है, सिटिंग पोजीशन है। दूसरा जो अपन ने निकाला दिखाया है बड़े बोट में जी, वो ड्राइविंग कर रहा है, ये पोजीशन है उसका। स्टीमर को चलाते हुए दिखाया गया है। एक कॉर्नर में वो अपर कॉर्नर में बनाया है ना एक, हाँ एक अपन एक सर्कल बनाया है जी, जिसके अंदर इस तरह के लाइंस रहेंगे। ये ट्रक का व्हील है जिस, हाँ जो ट्रक फिशिंग में यूज किया, ट्रक का टायर में जो ट्यूब रहती है जी, अच्छा हाँ वो रहती है, पूरा बंधा हुआ रहता है इसको जी, उसमें हमने इसमें बैठा हुआ रहते है, पैर अंदर रहते हैं, इसके लिए हमने वो इस तरह से दिखाए हैं जेंट्स है, और एक हाथ में जाला दिखाया है उसमें, ये लकड़ी है जिसमें वो जाला पूरी तरह से आ जाता है। उसमें कुछ फिश भी दिखाया हमने,
इसमें जाला पूरा फिट हो जाता है, फिट हो जाता है ये इस तरह से। और एक बोर्ड दिखाई हमने, हवा का पर्दा रहता है उसको पकड़ के और एक नेट, ओ सॉरी संजय भाई सम नेटवर्क इशू विद द आर्टिस्ट अगेन, प्लीज बेयर विद अस। इस तरह से हमने ये फिगर दिखाई है। इसमें जो ये फिगर जो हमने दिखाया है ये वाला जी जी, इसमें क्या किया हमने, दोनों साइड से हमने फिगर निकाला है। लेडीज फिगर है, ये अंदर का पैर नहीं हमने दिखाया जी। एक में हाफ से कम दिखाया है पैर, क्योंकि पानी के अंदर होने का, दोनों एक जेंट्स एक लेडीज दिखाई है जी जी। हाथ का पोजीशन इस तरह से रहेगा, इस तरह। और इसमें भी अपन ने कुछ मछली दिखाई है, हाँ स्मॉल साइज का, जो स्पीस के अकॉर्डिंग हम लोग फिश का साइज रखेंगे। बहुत अच्छे से बताया संजय भाई। संजय भाई दो मिनट रुकेंगे, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ फिगर्स। सो हियर संजय भाई वाज एक्सप्लेन द फिगर्स व्हिच विल बी मेकिंग टुमारो। पेपर लेफ्ट ले लीजिए संजय भाई, अंकिता एक्सप्लेन कर रही है, पेपर लेफ्ट लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिए संजय भाई। संजय भाई फाइन आई एक्सप्लेन दिस, देयर आर फ्यू फिगर्स व्हिच विल बी मेकिंग टुमारो। हां संजय भाई थोड़ा सा लेफ्ट को ले लीजिए पेपर प्लीज। बस बस बहुत बढ़िया। सो वन ही हैज शोन, दिस इज द सर्कल विद द बिग नेट, सो ही हैज शोन हाउ द पीपल आर होल्डिंग दैट नेट। दिस इज वन फिगर ही हैज मेड, ही विल बी मेकिंग इट टुमारो। Now another figure he has made is few people resting under the tree. This also he'll make tomorrow. Rest all the figures are those which he has made tomorrow. One is the two people rowing the boat. One is a lady figure, female figure, and a male figure. Another one is the one who where there is a small circle. On top of that there is a fisherman sitting. That's a tire tube of the of the truck. On which they sit and catch the fishes with the help of a small net. Another one is the one where two people are holding a big net with which is made up of sari. And on that also he has made few small little fishes. And the last figure is a male figure on the boat where he is holding the wind adjuster of the boat. ठीक है संजय भाई आगे बढ़ते हैं। संजय भाव आप सुन पा रहे हैं हमें?
हेलो। हाँ संजय को आपको आवाज नहीं मिल रही थी हम लोगों की। हाँ तो बचा हुआ काम कल करेंगे संजय बाबू। ओके फुल ओके आज का फुल पेंटिंग दिखा दीजिए, फुल व्यू। तो हम लोग को वाटर के अंदर में जो सीन था वो संजय बाबू ने बना दिया है। अब सिर्फ अपर पार्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। संजय सो बाबू बॉर्डर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ ना बॉर्डर हो जाएगा कंप्लीट। सो संजय बाबू हैज मेड दी वाटर पार्ट टुडे, द एम्फीबियंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बोट, स्टीमर इन द वाटर टुडे। रेस्ट विल कंप्लीट टुमारो विद द रिमेनिंग पार्ट अबव द वाटर ऑन द सी शोर। एंड टुमारो प्लीज डू जॉइन अस अगेन शार्प एट 5। एंड फॉर टुडे वी आर फिनिशिंग द वर्कशॉप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग अस। डू जॉइन अस टुमारो। थैंक यू संजय बाबू। नमस्ते। वेलकम मैम। बाय एवरीवन।